गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस क्लास 11th में हम लोग समतल में एक समान त्वरित गति के बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, हम लोग देखें इस समतल में एक समान त्वरित गति को कैसे सिखाया जाता है। यदि कोई कण प्रारंभिक वेग u, जिसको हम ux i कैप प्लस uy j कैप तथा एक समान त्वरण a, that is ax i cap plus ay j cap से गत करता हुआ समय p पर बिंदु p xy पर पहुंचता है, जहां इसका वेग v, that is vx i cap plus vy j cap हो जाता है, तब x अक्ष पर या तब कण के विस्थापन आर के लिए, तो एस बराबर आप जानते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी होता है एक समान गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए। तो यहां पर ये आर माइनस आर जीरो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये यू प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रहेगा ये, तो आर बराबर आर जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, आर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर जीरो को हम एक्स जीरो आई कैप प्लस वाई जीरो जे कैप होगा, जहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन हुई, ये आपका यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की अगर तुलना की जाए, देखिए आप आई कैप के साथ में आई कैप का वैल्यू को और जे कैप के साथ में जे कैप वैल्यू को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स जीरो प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर।
तथा वाई बराबर आ गया आपका वाई जीरो प्लस यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं एक्स के लिए पूरा अलग हिसाब किताब बन गया, वाई के लिए पूरा अलग हिसाब किताब बन गया, और यही दोनों जो है वो एक समान त्वरित गति के लिए समतल में गति के समीकरण कहलाते हैं। समीकरण एक व दो एक्स टी तथा वाई टी संबंध है जिन्हें समतल में एक समान त्वरित गति के लिए गति का समीकरण कहते हैं, इसे गति का समीकरण कहते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, यदि समीकरण एक व दो से टी को विलोपित किया जाए देखिए, इसको विलोपित करने के लिए थोड़ा आसान काम कर लेते हैं। यहां पर कैसे विलोपित किया सकता है, ए एक्स बराबर हम जीरो मान लें तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तब टी बराबर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन यू एक्स, तथा ये वैल्यू जो हम वाई वाले रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू वाई जीरो यू वाई, और टी की जगह आ जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो बाई यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, मतलब हो गया एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर तीन हो गया। अब समीकरण नंबर तीन को देखने के बाद आपको समझ आना चाहिए, समीकरण तीन एक्स वाई संबंध है जो समतल में एक समान त्वरित गति के लिए पथ का समीकरण है। और अगर आप ध्यान दें तो यहां देखिए y की सिंगल पावर है और x का स्क्वायर है। जब y की सिंगल पावर होती है, x का स्क्वायर होता है, तो ये परवलय कई तरह के शेप है, लाइन, सर्किल, इसके अलावा इलिप्स, दीर्घवृत्त है, तमाम सारी चीजें हैं। तो यहां पर ये परवलयाकार है, यह एक परवलय का समीकरण है स्पष्ट है कि समतल में यदि
एक्स बराबर जीरो हो तो पथ परवलयाकार होगा। पथ कैसा हो जाएगा? परवलयाकार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब पुनः कण के वेग के लिए v इक्वल टू u प्लस at vx i कैप प्लस vy j कैप, ऐसे ही ux i कैप प्लस uy j कैप एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इज इक्वल टू टी, दोनों पक्षों की तुलना करने पर वी एक्स कितना आ जाएगा, दैट इज यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तथा वी वाई कितना आ जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब अगर हम वी एक्स और यू एक्स निकाल लेंगे तो इस तरीके से हम वी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर हम एक्स और वाई समीकरण एक और दो पर ध्यान देंगे, एक्स और वाई निकाल लेंगे तो वहां पर हम फाइनल पोजीशन क्या है इसको हम समझ सकते हैं। अतः कण का, कण की स्थिति r कैसे निकलेगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर x और y पता लग गया तो यहां से हम उसकी स्थिति निकाल सकते हैं, तथा कोण अल्फा अगर बना रहा हो वो x एक्सिस से तो दैट इज tan इनवर्स y बाई x से आ जाएगा। कण का वेग अगर निकाल रहा है हमको उसी तरीके से तो भी बड़े आराम से v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तथा x एक्सिस से जो कोण बीटा हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। तो कण की स्थिति और वेग दोनों की गणना की सकती है। तो आप देख लीजिए, समतल में अगर गति होती है, खासकर एक समान त्वरित गति होती है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, समतल में गति के का सबसे अच्छा उदाहरण प्रक्षेप है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने समतल में गति का एक समान गति पढ़ी थी, और आज हमने आपको एक समान त्वरित गति समझाया। अच्छे से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, और प्रक्षेप गति को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग इस हेडिंग को समझने के बाद। तो गुड लक बच्चों, मेहनत करें, जहाँ जो समस्या आएगी बताइएगा। ओके।